Welcome or welcome back to my channel. If you're new here, I'm Meenakshi and you're watching Stay Beautiful. Today, friends, काफी ज़्यादा different और interesting सा video होने वाला है और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा background आज अलग है क्योंकि मैं दूसरे room में shoot कर रही हूँ और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि मैं दूसरे room में shoot क्यों कर रही हूँ. Actually, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपके पास जो simple basic clothes होते हैं यानी कि regular simple t-shirts and jeans जो आपके पास होती हैं उन्हीं को use करके उन्हीं में छोटे मोटे इधर उधर adjustments करके किस तरह आप खुद को super cool, stylish और trendy दिखा सकते हैं season के fashion के हिसाब से. तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में कहीं पर भी हमें फैब्रिक ग्लू या सीजर या कटर्स या यू नो किसी भी तरह के ऐसे टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ अपने बेसिक क्लोथ्स में ही हम किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर सकते हैं बिना कोई टूल्स यूज़ करे उसके हिसाब से आप अपने आउटफिट्स पहन सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और सुपर कूल दिखाएंगे. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, सो लेट्स रोल. ऑल राइट, सो द फर्स्ट लुक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सिंपल प्लेन नॉर्मल सी टी शर्ट है. मेरे पास सबसे प्लेन यही टॉप थी तो मैंने यही लिया है. अब इसको आप जैजअप कैसे कर सकते हैं? आपको चाहिए सिर्फ कोई भी स्लीवलेस श्रग. आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं या फिर डेनिम का भी यूज़ कर सकते हैं. ये दोनों ही चीज़ें किसी भी लोकल स्ट्रीट मार्केट से बहुत ही सस्ते में मिल जाती हैं, हार्डली लाइक 100-150 रुपये में मिल जाती हैं. तो आप 3-4 डिफरेंट कलर्स की लेके रख सकते हैं और मिक्स एंड मैच करके उनको डिफरेंट टॉप्स के साथ पहन सकते हैं. बहुत ही कूल लगता है ये. इनफैक्ट कुर्तियों के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, नॉट ओनली जस्ट विद द वेस्टर्न टॉप्स बट विद इंडियन कुर्तीज एज वेल. एंड आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज डालने के लिए आप एक्सेसराइज भी कर सकते हैं. तो ये जो जंक ज्वेलरी होती है ये भी बहुत सस्ती मिल जाती है मार्केट से, तो 3-4 पीसेस लेके आप रख सकते हैं. एक्रिलिक हो, जर्मन सिल्वर हो, जो भी. एंड इनफैक्ट जितनी कॉन्ट्रास्टिंग कलर की ज्वेलरी होगी उतना ज़्यादा सुपर कूल लगेगा. जैसे मैंने कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहने आप देख सकते हैं. एंड सिंपली बाय एडिंग अ श्रग एंड सम ज्वेलरी आपने अपनी लुक को कितना एनहैंस कर लिया आप देख सकते हैं. समर्स अप्रोप्रिएट है, सुपर कूल है, डिसेंट है. आप अगर कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, जो भी आपकी एज हो, ये हर एज ग्रुप को सूट करेगा. बाल आपने खोले हैं, बांधे हैं, हर लुक में आप इस ओवरऑल लुक में अच्छे ही लगेंगे. सेम लुक को आप डेनिम के श्रग के साथ भी कर सकते हैं, इट विल लुक इक्वली कूल. आप एडिशनली क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी टी शर्ट का हिस्सा लेके जो आपकी जीन्स का बटन होता है सिर्फ उतना हिस्सा लेके आप अंदर टक इन कर दीजिए, पूरी टी शर्ट नहीं सिर्फ उतना सा हिस्सा, एंड इंस्टेंटली आपका लुक सुपर हिप हो जाएगा. इज़न दैट कूल? नाउ फॉर द नेक्स्ट लुक, सपोज आपके पास कोई ओवरसाइज शर्ट है अपने पापा की, भाई की, हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की, किसी की भी, तो आप उसको जैजअप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप इसकी स्लीव्स को एल्बो की लेंथ तक फोल्ड कर लीजिए. मुझे एल्बो लेंथ तक पसंद है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ. आपको जहाँ तक पसंद है आप वहाँ तक कर सकते हैं. सेम प्रोसेस मैं अपने दूसरे आर्म पे कर लूँगी और उसकी स्लीव्स को भी एल्बो तक फोल्ड कर लूँगी. उसके बाद मैं अपना ऊपर का जो एक बटन है उसको ओपन कर लूँगी और फिर उसके बाद कॉलर के साथ, बेसिकली अगर आप ऑलरेडी चाइनीज़ कॉलर पहन रहे हैं तो आपको नहीं करना पड़ेगा, बट मैं एक स्टैंडर्ड शर्ट यूज़ कर रही हूँ ताकि सबके काम आ सके. तो कॉलर को आपको इस तरह से पहले खड़ा करना है और उसके बाद उसको अंदर की तरफ यूँ उल्टा मोड़ना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ. तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका इंस्टेंटली जो स्टैंडर्ड कॉलर है वो भी एक चाइनीज़ कॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड उसके बाद आपको नीचे का सिर्फ एक बटन खोलना है और पीछे से इस तरह से शर्ट को हल्का सा फोल्ड करना है. आपको एक्चुअली टक इन नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करना है. और उसके बाद जो नीचे का एक बटन आपने खोला था उसकी जगह पे आपको दो नॉट्स जो हैं वो टाई कर लेने हैं इस तरीके से. एंड सिंपली बाय डूइंग दिस यू विल जैज़ अप दिस यू नो ओवरसाइज शर्ट एंड यू विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू सच अ क्लासी एंड कूल वन एज यू कैन सी. नाउ कम्स द लास्ट लुक. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ओवरसाइज पजामा है या प्लाजो है जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये भी बहुत सस्ते आते हैं. तो आप इसका एक लेग डालिए एक हाथ में और दूसरा डालिए दूसरे हाथ में और आपकी इंस्टेंटली एक फुल स्लीव्स फ्रिल वाली टॉप रेडी हो गई. अगर आपको फुल स्लीव्स नहीं पसंद है तो आप इसकी स्लीव्स को एल्बो तक ला के पिनअप भी कर सकते हैं. So guys, this was it for today's video. I really hoped you liked all these looks and if you get to try even one of them, so please mention in the comment section below ki aapko kaisa laga, and I will meet you tomorrow in my next video. Till then, take care and stay beautiful.